कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही। रोज मेरी जान, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम क्या कर रही हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम क्यों कर रही हो। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी बेटा, क्या अजीब बरकत की तुमने। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मुझसे शेयर करो, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। कैसे रोकूं खुद को, घिन आने लगी है मुझे अपने वजूद से। कौन हूं मैं, क्या पहचान है मेरी, कब तक खुद से भागूंगी, कब तक। शुरू हो गए इसके ड्रामे, ताकि हम सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मुझे अकेला छोड़ दे, तन्हा रहना चाहती हूं मैं। ओ प्लीज, ये फिल्मी डायलॉग्स बंद करो। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दें, ये ससुराल है तुम्हारा, तुम्हारी माँ का घर नहीं। अरुज, अरुज, आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मौत के बाद तो सभी शोक मनाते हैं, यहाँ तो मौत से पहले ही उसका ऐलान हो गया। मैं इस घर में बहुत खुश हूँ चिनार खान और इन लोगों के साथ, बस मैं इस घर की खुशी मांगती हूँ, मैं इस घर का कभी बुरा नहीं चाहूंगी। जब तुम हमारे सामने आता है ना, हमारा दिल को ठंडक पहुंचता है। ये समदा अच्छा बच्चा है। ये नफरत का रास्ता भी ना बिल्कुल मोहब्बत की तरह होता है, और मैं इस रास्ते पे निकल आई हूँ। अभी तो सिर्फ एक लाश उठी है, तो राब खान के घर में गिनती करने वाला कोई नहीं होगा। आता है पिस्तौल चला? नहीं, हम सिखाता है तुम्हें, हाथ रखो चला। तुम्हारा तो हाथ ही नहीं कहा। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारी इन स्टूपिड बातों की वजह से मेरी बहनों पर क्या असर पड़ रहा है? आजादी आजादी आजादी, कितनी चाहिए आजादी तुम्हें? किस चीज की पाबंदी है तुम पर, ना तुम्हारे खाने पर, ना तुम्हारे पीने पर, ना तुम्हारे बाहर जाने पर? आज साफ साफ कहो मन्नत, तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगने लगा। आप ये चुका करें कि इसके भाइयों को नहीं पता, अगर वो घर पे होते और उनको इस बात की भिनक तक पड़ जाती ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि उन्होंने करना क्या था। तो क्या कर लेते, आकर मुराद को दो चार लगा के हिसाब चुकता कर लेते। भाभी जी, आपकी बेटी ने तो वो नौबत ही नहीं आने दी, इसने तो पहले ही अपने मिजाज ही खुदा को चमाट मार कर अपने थप्पड़ का बदला ले लिया है। क्या? हाँ, आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, इस तरह मैं गाड़ी नहीं चला सकती। अच्छा सॉरी, मैं काम करता हूँ, मैं सीट बेल्ट। अब नाम कुछ नहीं होता, इतना भी ना डरा है। अरे देखो आगे, देख कर चलाओ गाड़ी। हाँ देखिए, हाँ आगे देखो, आगे देखो, शाबाश, यहाँ लेफ्ट में मोड़ो, लेफ्ट में मोड़ो। अच्छा अच्छा, एक मिनट पीछे भी देखो, लेफ्ट में, लेफ्ट में।
शॉपिंग मॉल में देखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एकदम से गायब कहाँ हो गया है। नहीं मामा, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। अफनान तो इस्लामाबाद में, वो तो कल वापस आ रहा है, अभी तो बात हुई थी मेरी उससे। हलीजे, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मामा की कॉल आई थी, वो कह रही थी उन्होंने तुम्हें शॉपिंग मॉल में देखा है। मैं इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम कराची आ गए हो? हेलो अफनान, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। तो जवाब दो ना, कहाँ हो तुम? दुश्मन को जितना वक्त देगा वो उतना मजबूत होता जाता है। जिंदगी में दो ही तरह का जज्बा होता है, एक मोहब्बत का और दूसरा नफरत का। सही का फसल पक गया है, हम काटे तो अच्छा है। यार ये लो अंगूठा, जिधर जिधर जरूरत है लगवा लो। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। किसी भी राह चलते की वजह से हम इसे गंवा नहीं सकते। उसने ने मुझसे कहा था कि अगर मैं हरीम को ठुकरा दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी। अब कौन से अहम मामला डिस्कस करने रह गए सर भाई? हरीम तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना ऐसा है जैसे किसी बेजान चीज में खुदा ने रूप फूंक दिया। दिल जब अपना रास्ता मुंतखब करता है तो मोहब्बत सारी उम्र सर झुका सराह की मुसाफिर बन जाती है। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और जब तुम इस घर से जाओगे तो दुनिया जो तुम्हारे साथ सलूक करेगी, फिर तुम्हें अंदाजा होगा। दफा जाओ। ठीक है डैडी, हम यहाँ से चले जाते हैं। आप समझिएगा, आपका फाइज नाम का कोई बेटा था ही नहीं। Let's go, I'm sorry. Oh, no, my God. मेरी बेटी से ये जो बराबरी करने की कोशिश कर रही हो ना, तो बहुत महंगा पड़े तो उसके पाँव में पहनी हुई जूती के बराबर भी नहीं।